हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं एकदम ठीक हूँ। और आज सुबह सुबह मैं आई हूँ पार्क घूमने के लिए। तो आप सब ने देख लिया, आपने सोचा होगा आज मैं सुबह सुबह पार्क कैसे आ गई। तो आज मैं जल्दी उठ गई थी और नहा रही थी, नहाना जाना था अपने ड्यूटी। तो सुबह सुबह उठ के उसका खाना पैक करा, खाना पैक करके उसने छोड़न गई मेट्रो स्टेशन तक, ऑटो तक बैठा के आई हूँ। मेट्रो स्टेशन तो दूर पड़ा है। फिर मौसम भी सा हो रहा है, बहुत ठंडा मौसम हो रहा है, ठंडी हवा चल रहा है। वैसे तो ऊपर तक नीचे ना उतरा जा, पर ईब तो मैं नीचे आ रही थी तो मैं सोची थोड़ा मैं घूम लूँ। हरी हरी घास है, ठंडा मौसम है, बूंदाबांदी सी चल रही है, बिल्कुल माड़ी माड़ी सी फुहार आने लग रही हैं और मैं नंगे पैर घूमने लग रही हूँ। नंगे पैर घास पर घूमने का अलग ही मजा है सुबह सुबह। और इसमें ओस भी है, घास में ओस भी है। और बताया जाए कि सुबह सुबह ओस में घूमना बहुत अच्छा हुआ, पर निकला किस तरह जा, निकला तो जाए को नहीं है। तो आज मैं सोची नीचे तो आ रही हूँ, मौका भी अच्छा है, तो मैंने थोड़ा सा घूम लिया। और अभी मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे पेड़, ये अमरूद का पेड़ है और ये फूलों के पेड़ लगा रखे छोटे छोटे। ये तुलसा का है, ये भी फ्लावर का है, ये सब फ्लावर हैं। वो आगे भी एक और तुलसा है, ये आक है। आक की भी आजकल लेडीजें बहुत ज़्यादा पूजा करती हैं। और ये लेडीजें मेरी तरह घूम रही हैं, यहाँ सब फ्लावरों के पौधे हैं। इधर ये फ्लैट है जो हम रहते हैं और इधर ये छोटा सा पार्क है बिल्कुल सामने, और उस बिल्डिंग में मेरा घर है। वे थोड़े से पहले के बने हुए फ्लैट हैं, इस साइड के जो फ्लैट हैं ये बाद के बने हुए हैं, इसलिए ये नए फ्लैट नज़र आएंगे और ये थोड़े पुराने नज़र आएंगे, बाकी अंदर से सेम है। सुबह सुबह घूम के सही एंड अच्छा फील हो रहा है, बिल्कुल ठंडी हवा चल रहा है। थोड़ी देर में सोचो हाँ घास पर लोट पलट मार लूँ, काम की तो दिख ही जा गई, और एक घंटा आधा घंटा लेट हो जाओ। अभी मैं थोड़ी देर घूम लेती हूँ, फिर मिलते हैं। फिर मैं पता नहीं कब फोन उठाऊंगी, दोपहर को उठाऊंगी या शाम, सीधा शाम को उठा लेती हूँ मैं कभी कभी, ऐसा ही होता है मेरे साथ। सुंदर सुंदर बेटा, जमा घसा घसा के, रगड़ रगड़ के, नहीं ऐसे नहीं, तमीज से। मम्मी जी मम्मी जी मम्मी जी। तो गाइज मैं पार्क से आके मैंने एक सलवार सिल ली और फिर मैंने झाड़ू निकाली, चिन्नू कन में पोचा लगवाऊ हूँ, वह अपने मूवी देखे लैपटॉप में, राहुल कन में सलाद कटवाऊ हूँ। मैं उरे रोटी बनाने लग रही थी, फिर बीच में मैंने सोची थोड़ा सा क्लिप बना लेती हूँ ताकि आप सबको भी पता चले कि मैंने क्या क्या काम किए पार्क से आके। अभी रोटी खा के ना के फिर और सूट सी लूँगी, फिर शाम ने फोन ना उठाऊंगी हो सके तो। तो गाइज ईब मैं कुर्ती सी ली हूँ और ये लड़की की कुर्ती है। तो जब भी आप लड़की की कुर्ती बनाओ ना तो आप इन बहुत सारी प्रॉब्लम हो, गला कैसे बनावा, ठीक है? क्योंकि अपना गला तो आप ही आराम से बना ला, चौकोर वी गोल पांच शेप में, हार्ड शेप में, जैसे मर्जी अपना गला आप ही बना सका। हाँ, पर जब भी कोई दसवीं आठवीं नौवीं में लड़कियां हैं या कॉलेज में जा रही हैं तो उन पर ना तो वह लेडीज टाइप में गला अच्छा लगे, और उन अच्छी है कुछ जैसे रेडीमेड कुर्तियों पर गला में उस तरह का गला की कदे भी कटिंग ना हुआ, हमने खुद तय काटनी पड़ा है। तो मैंने वो गला कटिंग कराया तो मैं सोची आप सबने भी दिखा दो, कई बार कमेंट करो दीदी पेस्टिंग पेपर चिपका के किस तरह गला कटिंग करो।
तो कपड़ा पर मैंने या पेस्टिंग पेपर चिपका ली, या तो पेस्टिंग पेपर पे कटिंग करो या फिर बुकरम पे भी कटिंग कर लो, कोई दिक्कत नहीं, बुकरम पे भी कटिंग हो जाएगा। उसके बाद मैंने ये डबल फोल्ड कराया है, इसकी चौड़ाई मैंने 3 रखी है और ये सारा मेजरमेंट लेके मैंने कटिंग कराया है। और इसने मैं स्टिचिंग वाला चैनल पे पूरा निशान लगाना, कटिंग लगाना और कुर्ती में भी लगाना बता दूंगी, तो आप वहाँ जाके देख लियो। और यहाँ से लेके इस तरह से ये गला बनेगा और छोटा सा प्यारा सा सुंदर लगेगा जब इस टाइप के लड़कियाँ पहनती हैं। इसमें ना बहुत सारी शेप हम कैसे भी दे सकते हैं, जैसे यहाँ से ये ऐसे दे दिया, यहाँ से मटके में दे दिया, सीधा दे दिया, कई टाइप में, या फिर छोटा बोट हो गया या छोटा शॉर्ट गोल हो गया, ये सारे नेक लड़कियाँ पहन सकती हैं। और ये मैं लगाऊंगी पीछे वाले में, इसमें थोड़ी पेस्टिंग पेपर कम पड़ गया था, यहाँ पे मैंने पहले नहीं सोचा कि ज़्यादा चिपका लूँ, तो मैं इसको लगा दूंगी थोड़ा एडजस्ट करके। तो ये मैंने पीछे वाले गले के लिए कटिंग करा है। तो वही रसोई में चल रहा है मेरा काम, और दोपहर की रोटियां के बाद मैंने कोई अपडेट नहीं दिया था ही। मैंने पहले ही बोल दिया था मैं कर पाऊंगी कि ना कर पाऊंगी, बाद में मैं सीधा श्याम ने फोन उठाऊंगी। एक सूट तो मैंने सुबह सी लिया, फिर मैं रोटी खा के थोड़ी देर नहा के सोगी, फिर एक अस्तर वाला फुल सूट मैंने श्याम ने चाय पी के सी लिया, और ईब मैंने सब्जी बना ली, ईब मैं आटा मर लाग रही हूँ गुस्सा, और उसके बाद मैं बनाऊंगी रोटी। उससे पहले मैं रोटी बनाने से पहले मैं खाऊंगी, फिर मैं सारी रोटी बनाऊंगी। ईब थोड़ा चावल बनाया था राहुल ने 6 बजे से, ईब 8 बज रहे हैं, तो मैं चावल खाऊंगी मैं सब्जी के साथ पहले, फिर मैं रोटी बनाऊंगी। हेलो जी, तो एक काम तो मन कई देर हो गए बने, पर यो फोन यो यूट्यूब है नहीं, यो क्या काम नहीं करने दे इस पे, इतने सुटाई वीडियो, इतनी सुटाई वीडियो डाले हैं, वह देख देख के लुगाई आदि मेरे वर्गी तो पागल हो जा। इतने महंगे सूट ना खरीदन जोगी, देख देख जी जलाए जाओ, रोज कितना खरीदा, अगले दिन और नया, अगले दिन और नया, टेम ने खराब करवा दी वो अलग। इसी सोशल मीडिया चालगी, हर चीज में कंपटीशन, हर चीज में कंपटीशन, सूटा का फैशन का इतना क्रेज बढ़ गया सोशल मीडिया चलने पर, सबको सुती है दोरी है, लुगाइयां सारा खर्चा ही हो सूट खरीदना, सूट सिलवाना, सब तो ज्यादा लेडीज का खर्चा है सूट की सिलाई और सूट खरीद। फिर आजकल एक फंडा हो रहा है मैचिंग ज्वेलरी, मैचिंग चूड़ियां, मैचिंग सैंडल, खरीदते रहो खरीदते रहो खरीदते रहो, मन पर कोई कंट्रोल नहीं। अच्छा, किसी का शौक भी बहुत ज्यादा हो गया है अच्छे अच्छे पहनना, अच्छा अच्छा बन संवर के रहना, किसी किसी ने कम शौक हुआ है तो वह इतने ना खरीदे, कम कपड़ा भी काम चला ले है, कई ने बहुत ज्यादा शौक हुआ है अच्छे अच्छे सूट पहनने का, तो किस किस ने शौक है सुंदर सुंदर सूट पहनने का कमेंट करके बताइयो, मैं भी तो जानू कौन कौन इतना शौक रखे है। तो चलो आज कुछ कमेंटों का जवाब देते हैं। एक कमेंट मैंने पढ़ा था, दीदी बैक गला बड़ा बन गया तो उसको छोटा कैसे करें, तो आजकल तो भाई ढेर सारे समाधान है, मैंने और दिन दिखाना भूल गई तारती, मैंने इतना छोटा गला बना रखा था एक लड़की का, कितना इंच का, 5 इंच का इतना, और उसने चाहिए था और भी छोटा 4 इंच का आगे वाला,
मैंने की काम करा मखाई बिस्में के लगाऊ सोचना तो पड़ा है। फिर मखा कुछ अलग तक पट्टी बना के न्यू कटोरक वाली ऐसे ऐसे वाली वाह लगाऊंगी गले में। तो मैंने उसका कपड़ा भी ना पाया, कई बार ने छोटे छोटे टुकड़े बच जा हमने फेंक दिया, न्यू जाना ही भी इनका के करना है, कोई लंबी कत्तर हो काम आने वाली हो तो उसने तो संभाल के भी टेक लिया। हाँ तो फिर मैंने उसको मैचिंग की एक लैस मिली, वह लैस मैंने यहाँ को लगाई, यहाँ से यहाँ तक का बंद कर दिया, तो उसकी कढ़ाई थी मैचिंग की तो उसने सही ला गया, फिर पसंद आ गया। ऐसे करके मैंने उसका छोटा बनाया। तो ये तो ना छोटे करण का निरा समाधान है, कोई ठा के लैस लगा दे या फिर कुछ कट वर्क करके अलग से पट्टी का डिजाइन लगाया करे ना, उसके बीच में लैस लगा के वाह लगा दे या सीधी सिंपल भी लगा दे, क्यूकर भी लगा दे छोटा कर दे उसने, या फिर जैसे ये लूप बना के लगावा लंबी लंबी वाह लगा दे, उसने क्या हो जाएगा डिजाइन का डिजाइन और गला भी छोटा हो जाएगा। और एक कमेंट था वी गला जब बनावा तो उसमें बहुत सारे झोल आ जाए, तो वी गला की एक बात मैं तुमने बताऊं और मैंने कई बार ने सिलाई में भी बताई है वह बात, वी गला ना तो ज्यादा छोटा ही होना चाहिए ना ज्यादा मतलब भीड़ा ही होना चाहिए, चौड़ाई भी वी गला की ज्यादा होनी चाहिए, चौड़ाई 7.5 इंच तैयार होनी चाहिए और 7.5 इंच लंबा होना चाहिए वी गला, जब जाके परफेक्ट बैठेगा। मैं एक कुर्ती ब्लू कलर की वाकई में पहन रहा हूँ, मेरा कति एकदम फिट बैठ रहा है उसका गला, मैंने उसी नाप से सबका बनाया करूँ सही बैठ गया है। एक बार मैंने भी शुरू में बनाया तो वो छोटा बन गया, तो उसमें क्यों है यहाँ झोला आ जाए एकदम तेनू छोटा गला हो जाए तो फिर वह सही फिनिशिंग सी ना आवे आपको। कल मैं वह कुर्ती पहनूंगी ना तो दिखाऊंगी उसमें एकदम अच्छी फिटिंग आ रही है, फिर यहाँ को उसकी चौड़ाई गले की मैंने 7.5 7.5 ऐसे भी 7.5 और ऐसे भी 7.5, तो इतनी लंबाई चौड़ाई में बना के देखियो बढ़िया गला बनेगा एकदम। अगला के कमेंट था आज मैंने सारे सिलाई के लिए हैं एक वीडियो, मैंने ऐसी कुछ बनानी है जिसमें जो तुमने ऐसे सवाल पूछ रखे हैं कईयों ने व्लॉगिंग के बारे में, जो मोनेटाइजेशन के बारे में, गूगल एडसेंस के बारे में, कई ऐसी सारी चीज़ें हैं जो मैंने उन पर भी एक वीडियो बनानी है। आज तो मैं स्टिचिंग के कमेंट दूंगी। एक कमेंट था आप जो या फ्रंट क्रॉस है या आप कदे भी ना प्लेन में कटिंग करते समय तो कदे भी उसका जिक्र ना करो, तो मैंने ने आदत पड़ रही है फ्रंट क्रॉस मेरा सही परफेक्ट आवे है, जो नापते मैं कटिंग करूँ उसके हिसाब से मैंने सही आवे है, तो मेरे याद है ना रहे वो फ्रंट क्रॉस का जिक्र करती है नहीं, वो तो मैंने स्पेशल बिगनर्स खातिर वीडियो बनाई थी ना, तो फिर मैंने इसलिए बोला था कि भाई यो नाप भी लेना ज़रूरी है और बैक क्रॉस है वो भी लेना ज़रूरी है। मन ने तो सिलाई करते करते इन चीज़ों की आदत पड़ रही है, तो मेरा फ्रंट क्रॉस बैक क्रॉस ये सारी चीज़ फिट बैठ जाए, मान लो ना भी बैठे किसी का लूज रह जाए यहाँ ते या पीछे ते, तो थोड़ा सा सिलाई में दबाना हुआ है पूरा, तो मैं सिलाई में कवर कर दिया करूँ, इतना कपड़ा ज़्यादा मैं कटिंग नहीं करा करूँ बार बार, मैं सिर्फ है ना एक बार कपड़े की कटिंग करा करूँ, कोई यहाँ की आदत हुआ है एक बार एक्स्ट्रा शोल्डर ले लिया फिर कटिंग भी कर लिया आगे की यार मोल की, फिर सिलाई कर ली गला बना लिया उसके बाद उसने फिर छाटेंगी दोबारा, तो मैं एक बार कटिंग करा रूँ परफेक्ट कटिंग करा रूँ उसके बाद मैं कटिंग नहीं करा करूँ शोल्डर ने, और सही आ जाए मेरा कति फिट। और कौन सा कमेंट रहेगा, और तो मैंने भी याद को नहीं, और तो मैं ये अपना थोड़ा हाँ काम करूंगी फिर वीडियो एडिट करूंगी फिर सोऊंगी, कुछ बच्चों ने खाना खा लिया कुछ बच्चे अभी लग रहे हैं टेढ़ा पड़ा पड़ा रो अभी दिखाऊं तन कितना ही समझा लो छोरा ने रोटी न्यू खानी है पागल सा मेरे उठा पापड़ी आ रही क्यों आई है उठा पापड़ी तम के खान ना दो मैंने।
है जे तारी के इस सूट की थोड़ी तुरपाई रह रही है, मैं इसने कंप्लीट करूं। इसका घेरा फोल्ड कराया था, दोबारा आते हैं तो दोबारा तो तुरपाई करनी पड़ेगी। ये इसने के तुरपाई वाले खातर भेजू दोबारा, फिर पैसा ले या इसका तो मैं ही कर लूं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।